राजधानी भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज पर अतिक्रमण की कार्यवाही की गई तथा विधायक मसूद पर भी धारा 153 के तहत तलैया थाने में मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन की कार्यवाही को लेकर विधायक मसूद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, मैंने कभी किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोला। मेरे धर्म के बारे में जब बुरा बोला गया उसका रिएक्ट करने का मुझे संवैधानिक अधिकार है। मुझे जानकारी मिली कि खानु गांव स्थित मेरे कॉलेज के एक हिस्से को तोड़ दिया गया है, जबकि न्यायालय से मुझे परमिशन मिल चुकी है। यह बीजेपी सरकार दमन और डराने का काम कर रही है। हम लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा करने वाले लोग हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। विधायक मसूद ने कहा कि अगर बच्चों को खुले मैदान में भी पढ़ाना पड़ेगा तो भी हम जरूर पढ़ाएंगे। सरकार ने मुझ पर दबाव बनाने के लिए यह कार्यवाही की है। धर्म के बारे में बुरा नहीं बोला, मेरे धर्म के बारे में जब बुरा बोला गया तो उसका रिएक्ट करने का संवैधानिक मुझे अधिकार है और मैं उस संवैधानिक अधिकार के दायित्व में निभाते हुए उसका प्रयोग करते हुए मैंने अपनी एक प्रजातांत्रिक ढंग से बात रखी और मैंने ये कहा कि किसी को किसी की इजाज़त नहीं है मज़हब के बारे में बुरा कहना। उसके बावजूद मेरे ऊपर एक मुकदमा लगाया, फिर दूसरा एक और कर लगा दिया। मैं उसकी निंदा करता हूँ क्योंकि ये दबाव में आके किया गया। दूसरा भी दोबारा मुझे जानकारी मिली कि मेरा महाविद्यालय का भवन जो कि डीम्ड परमिशन है, जिसकी न्यायालय से परमिशन मिल चुकी है, उस भवन के हिस्से को आज तोड़ दिया, जबकि उस पर हाईकोर्ट का स्टे था, उसके हिस्से को तोड़ दिया गया। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि ये सरकार दमन और डराने का काम कर रही है। हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। संवैधानिक हिसाब से जो बनेगा वो हम लोग अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे और जो भी बच्चे तालीम के लिए परेशान हो रहा है उनसे दरख्वास्त है कि वो घबराएं ना। तालीम तो हम हर हाल में देंगे, पढ़ाई तो बच्चों को कराएंगे, चाहे खुले मैदान में कराएं, अगर परमिशन मिलेगी तो बिल्डिंग बनाएंगे, नहीं मिलेगी तो खुले मैदान में कराएंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे ज़रूर। और ये सरकार ने एक दबाव वाला काम करा है, लेकिन मैं लोगों से शांति की अपील करता हूँ कि हमको अमन कायम रखना है और हमें अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार पाने के लिए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो कुछ भी होगा संवैधानिक रूप से वो हक मांगते आए, मांगते रहेंगे, जो हक है वो हक कहते आए और हक आगे भी बोलेंगे। देखिए, जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी और जिस तरह से वहाँ अतिक्रमण था उसको हटाने का काम सरकार ने किया है। और इस तरह के जो भी लोग मध्य प्रदेश में है जो गलत काम भी कर रहे हैं और गलत एक्टिविटी में है उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। तो उनका कहना है कि कोर्ट पे एक मामला चल रहा था इसके बावजूद कार्रवाई कर दी गई? नहीं, सब प्रशासन देख के ही कार्रवाई करता है। सामने वाले जो कह रहे हैं वो कह रहे होंगे, पर उस जगह पे कोर्ट से कोई स्टे नहीं था, जहाँ पर कोर्ट से था वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या एक संदेश देना चाहती है सरकार कि भूमाफिया कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितनी भी ऊंची रसूख का क्यों ना हो, वो बख्शा नहीं जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का ये साफ निर्देश है कि जो भी इस तरह की माफिया गतिविधियों में जो लोग भी लिप्त हैं या जिन लोगों के द्वारा भी सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण किया गया है और अन्य अवैधानिक गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार करेगी। क्या वजह? एक तरफा कार्रवाई की जा रही है सर आरिफ मसूद। देखिए, आरिफ मसूद विधायक है, मध्य प्रदेश की विधानसभा का सदस्य है, जिसके कि शिवराज सिंह चौहान जी भी सदस्य हैं, और इस तरह की कोई भी इलीगल कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पूरी ताकत से उसका मुकाबला किया जाएगा। उत्तम मिश्रा कह रहा है फ्रांस का मामला था, फ्रांस में प्रदर्शन करना था, उत्तम मिश्रा कह रहा है। देखिए, हिंदू जागरण मंच यानी राष्ट्र के समाज की सुरक्षा की गारंटी, तो जिस प्रकार से जो गणना करता एक जनप्रतिनिधि के द्वारा किया गया है दिनांक 30/10 को 2020 को इकबाल मैदान, आपने 2500 लोगों की संख्या एकत्रित की, तो देश के विरोध में गतिविधियों को अंजाम दिया, जो युवा तरुणाई देश के हित में देश को परिवर्तन की दिशा में काम करती है उनको वरगलाया। अगर फ्रांस में किसी व्यक्ति के द्वारा कार्टून बनाया गया है, फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा कुछ कर्तव्य किया गया है, तो आपको अगर वास्तविक मर्द हैं और आप उसके अनुयायी हैं तो फ्रांस में जाकर वीजा लें, वहां विरोध प्रदर्शन करें। भारत में रह करके, भारत का खा करके, भारत की सुविधाओं का लाभ लेकर के भारत के विरोध में गतिविधियों करने का औचित्य क्या है? ये सारी जो गतिविधियां उन्होंने की है, आप देखिए ना, उन्होंने स्पष्ट बोला है कि जो भारत अगर फ्रांस का समर्थन करेगा तो हम भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो। आप राज्य में निवास कर रहे हैं, आप राज्य के लिए बोला,
आपके बयान जाएंगे सोशल नेटवर्क पर वायरल होंगे, आप उसकी भड़काने का काम कर रहे हैं, युवाओं को समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप समाज को परिवर्तन की दिशा में काम करेंगे, आप समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं, तो आपको समाज के परिवर्तन की दिशा में काम करना है या देश के विरोध में काम करना है, ये उनको तय करना है। तो जो उनके बात हुई, जो उन्होंने बोला, इससे स्पष्ट है कि वो आतंकवाद के समर्थन है, आतंकी हैं, जिन्होंने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देकर हुए युवाओं को बरगलाया। हिंदू जागरण पूरे भारतवर्ष में एक ज्ञापन के माध्यम से मांग करता है, ऐसे देश विरोधियों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है।